हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चे जा चुके हैं स्कूल एज यूजुअल जो होता है हमारा, और अब मैं करती हूँ अपने घर के काम स्टार्ट। तो सर्दियों में काम करने का तरीका ये होता है कि कामों को ना मॉर्निंग में ही जो है बिना रुके जल्दी फटाफट से कर दिया जाए, क्योंकि फिर अगर हम थोड़ी देर भी बैठ जाएंगे ना फिर आलस आता है और फिर काम करने की इच्छा नहीं करती। और अब बच्चों के एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं तो बच्चों की स्टडी पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना, तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा टाइम निकालना है। उनको भी अब पढ़ाई की चिंता होने लगी ना, क्योंकि एग्जाम सिर पर है। उनके भी एग्जाम आने वाले हैं, हमारे भी एग्जाम आने वाले हैं, मतलब टेंशन तो होती है ना। तो चलिए अब मैं फटाफट से काम स्टार्ट करती हूँ। आज पहले मैंने बनाना है घी। मैंने मलाई जो है वो बाहर निकाल के रख दी है, तो जब भी ना इस तरीके से घी बनाना तो जो मलाई को फ्रिज से कम निकाल के आधा एक घंटा पहले बाहर निकाल दो। इससे क्या होता है वो रूम टेम्परेचर में सेट हो जाएगी। तो उससे पहले है आलू के पराठे बनाती हूँ। बच्चों के लिए बीन्स की सब्जी बनाई थी, तो आज दिन में उनके लिए आलू के पराठे रहेंगे, तो मॉर्निंग में आलू के पराठे का ब्रेकफास्ट होगा। थोड़े बहुत बर्तन है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपने काम, और आप देखना कि मैं किस तरीके से फटाफट से अपने काम टाइम पर मैनेज कर लूंगी, अपनी पूजा पाठ भी कर लूंगी जो मेरा सबसे मेन काम होता है मॉर्निंग। तो आप सबसे पहले मैंने आलू लेकर आई और उनको अच्छे से धो के बॉयल करने के लिए रख दिया था। जितनी देर में आलू बॉयल होगा मैं बाकी काम कर लूंगी। तो बाकी कामों में मेरा था सबसे पहले जो है बेडशीट, मैंने कहा इसको बदल दूं। तो सर्दियों में काम करने का तरीका यही होता है कि जितने भी अपने ब्लैंकेट वगैरह होते हैं पहले उनको सेट करके रख दो ताकि वो नजर ना आए, क्योंकि ब्लैंकेट बिछे रहेंगे ना तो किसी का भी मन नहीं करता उनसे निकलने का। उसके बाद मैंने बेडशीट जो है मैं हफ्ते में चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया था, और चेंज करने से ना कमरे में ना डिफरेंट लुक आता है, क्योंकि बार बार एक ही बेडशीट एक ही चीज़ को देखे ना बोरियत भी आ जाती है। तो बस अब यहाँ पे मैंने साइड से इस तरीके से बेडशीट को ना फोल्ड कर देती हूँ, जिससे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, पूरी अच्छे से बिछी रहती है, बिल्कुल भी इसमें सिलवट नहीं पड़ती। उसके बाद जितने भी मेरे धोने वाले कपड़े थे उनको अभी तो नहीं धोंगे क्योंकि यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो मैंने इस तरीके से उन्हें मशीन में रख दिया था ताकि वो नज़र ना आए, क्योंकि बाहर रख दूंगी ना तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, बिखरा हुआ घर लगेगा, खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। और उसके बाद जो थोड़े बहुत जो मेरे पिछले दिन के कपड़े थे वो मैंने धूप में डाल दिए थे। उसके बाद आ गई थी किचन में। तो काम करने का मेरा यही तरीका होता है, जो बहुत ज़रूरी काम होते हैं पहले उन्हें कर देती हूँ। तो आलू बॉयल करने रख दिए थे, तो जितनी देर में आलू बॉयल हुए थे ना उतनी देर में मैंने अपने ये सारे काम कर दिए थे, और अब आलू बॉयल हो गए हैं। अब साथ के साथ मैं बना रही हूँ टिफ़िन, ऑफिस के लिए सब्जी बना रही हूँ, और घर में ब्रेकफास्ट के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। तो बच्चों को तो मैंने कहा ना बीन्स की सब्जी दी थी, तो दिन में आज उनके लिए भी आलू के पराठे हो जाएंगे। और बस डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग में थोड़ा टाइम लग गया था, अदरवाइज़ मैं नहा जाती, लेकिन अभी नहाई नहीं थी, तो मैंने कहा पहले बच्चों के पापा जी को ब्रेकफास्ट बना कर दे दूँ, क्योंकि मैंने कहा ना पहले बहुत ज़रूरी काम होते हैं उन्हें कर देना चाहिए, तो ऑफिस वगैरह के लिए लेट ना हो जाए, तो इसलिए ब्रेकफास्ट बना दिया था। उसके बाद मैं नहा गई थी, और नहाने के बाद मेरा जो सबसे पहला ज़रूरी काम होता है मेरी पूजा पाठ, जिसको कि मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, तो रेगुलर में मैं करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये धूप की खुशबू, जलती हुई जोत मुझे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी देती है, मेरे माइंड को बहुत सुकून देती है ना। तो कहते हैं ना अपनी खुशी, जिस चीज़ से तुम्हें खुशी मिलती है उसको जरूर करना चाहिए, और मुझे इस काम से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। उसके बाद मेरी पूजा हो गई थी, कि जो भीनी भीनी धूप की खुशबू मेरे पूरे घर को सुगंधित कर देती है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद जितना भी मेरा सामान, मतलब पूजा करने के बाद जो भी सामान फैला हुआ था वो मैंने रख दिया था। तो घर में ना काम करने का तरीका ही ये होता है कि जैसे जिस काम को तुम करते जाओ, सामान जैसे बिखरा हो जिस भी रूम में, चाहे किचन में हो चाहे कहीं पे भी हो, उसको वापस उसकी जगह पे रख दो, तो घर कभी भी फैला हुआ नहीं लगेगा और हमेशा हमारा घर सिमटा हुआ अच्छा नजर आएगा। उसके बाद पूजा के जो बासी फूल होते हैं वो मैं उठा के यहाँ पे गमले में डाल देती, तो एक मैन्यूर का काम भी करते हैं ये। तो ये धनिया आप देख रहे होंगे साबुत धनिया है, तो मार्केट से मैं साबुत खड़े मसाले लाती हूँ, पिसे हुए मसाले नहीं लाती। और ये मसाला जो है एक बार तैयार कर देती हूँ तो ये मेरा काफ़ी चल जाता है। तो इसमें मैंने जितने भी ये गरम मसाले के लिए जितने भी आइटम लेकर आई थी ना, तो गरम मसाला अलग से यूज़ नहीं करती, उसको साबुत धनिया में ही मिक्स कर देती हूँ। एक रेशियो होता है इसकी क्वांटिटी, प्रॉपर क्वांटिटी में 1 किलो धनिया था ये। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी थी, जैसे तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, सब इसमें मिक्स करके इसको मैंने अब छत में धूप में रखने के लिए ले गई थी। तो मैंने कहा इसको छत में धूप में रख दूँ, धूप अच्छी थी, तो 2-3 दिन इसको धूप में रखूँगी तो इसका मॉइस्चर जो है बिल्कुल निकल जाएगा, एकदम करारे हो जाएंगे, और इसकी फ्रेगनेंस ना बहुत अच्छी आती, क्योंकि ये घर के मसाले होते हैं ना ताज़ा, और इनसे स्वाद भी आता है, एक खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।
उसके बाद नीचे आ गई थी, तो उसके बाद जो ये टावल वगैरह होते हैं ये रेगुलर में तो धुलते नहीं हैं, तो इनको ना जैसे ही यूज़ हो जाए इनको डेली के डेली मैं धूप में ज़रूर रखती हूँ, तो धूप में रखने से इनके कीटाणु वगैरह भी मर जाते हैं। अब हो गए हैं घर के लगभग सारे काम, बस किचन क्लीनिंग रह गई है। उससे पहले मैंने कहा मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँ। ब्रेकफास्ट में है आलू के पराठे, चाय, थोड़ा सा मैंने अचार लिया है, हल्का सा। वैसे तो चाय है तो अचार की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, और हम लेडीज़ ऐसी होती हैं थोड़ा ना अपने ब्रेकफास्ट में हम लोग जो है थोड़ा सा मतलब लापरवाही कर देती हैं, जबकि हमें ब्रेकफास्ट में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं अगर तुम दिन में लंच ना भी करो या लाइट लंच करो, बट ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए और अच्छे से ब्रेकफास्ट करना चाहिए। उसके बाद बर्तन वगैरह भी धुल गए थे, तो मेरी किचन क्लीनिंग कंप्लीट हो गई थी और हो गए थे मेरे घर के पूरे काम। अब मैंने कहा ना कि जो टाइम बचता है उसमें मैं अपने एक्स्ट्रा वर्क थोड़े बहुत जो होते हैं वो कर लेती हूँ। तो आज मैंने घी बनाना था, तो मॉर्निंग में ही जो है मलाई काफ़ी जमा हो गई थी, तो उसको बाहर इकट्ठा करके रख दिया था, बाहर निकाल के रख दिया था। और अब फ्रिज में मैंने पानी की बॉटल भी रखी थी, तो चिल्ड वाटर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ना चिल्ड वाटर से पता है क्या होता है, जब मलाई होती है ना तो उससे बहुत जल्दी मक्खन निकल कर आता है और ज़्यादा क्वांटिटी में भी आता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो भाई इससे इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती है, क्योंकि मशीन को ज़्यादा नहीं चलाना पड़ता। और बस यहाँ पे मैंने जो है वो मैं इसी तरीके से मक्खन जो है वो निकालती हूँ, चाहे गर्मी हो तो गर्मी में मैं कुछ ज़्यादा ही चिल्ड वाटर यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो सर्दी है। वैसे तो नल का पानी भी इसमें यूज़ हो सकता था, बट फिर भी मैंने बॉटल फ्रिज में रख दी थी। और अब ये देखो कितने अच्छे से इसमें मक्खन निकला है। उसके बाद जब ये सारा मक्खन जब अच्छे से मतलब कढ़ाई में जमा कर देती हूँ, उसके बाद इसको धोती जरूर हूँ, क्योंकि इसको धोना भी चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी स्मेल वगैरह होती है घी में नहीं आती, और बहुत अच्छी खुशबू आती है बाद में। और घर का घी तो भाई सबको ही पसंद आता है, खासकर जब घर में पराठे बने हों, है ना, तो घर के घी की तो बात ही कुछ और होती है। और यहाँ पे देखो 12 बजे से पहले पहले मेरे काम हो गए हैं, और अब यहाँ मैंने भगवान जी के मंदिर की लाइट भी बंद कर दी। तो बस मॉर्निंग के मेरे सारे काम हो गए हैं, अब ये घी बन रहा है। और मलाई से जब मक्खन बनाना हो तो उसमें जब हम अगर थोड़ा ठंडा पानी यूज करते हैं तो जल्दी से मक्खन निकल आता है। और अब यहाँ पे फिर दोबारा से हो गए हैं बर्तन, लेकिन इन बर्तनों को मैं रखूंगी नहीं, तो ये बर्तन थोड़े चिकनाई के, इसलिए मैंने गर्म पानी से इन्हें धोऊंगी तो इनकी सारी चिकनाई निकल जाएगी, बहुत इजीली बहुत जल्दी से धुल जाएंगे। और यहाँ पे जो मैंने बेडशीट चेंज की थी ना आज, तो वो बेडशीट भी मैंने अभी रख दिया। तो यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, तो पानी रात को आता है, रात को क्या, आजकल तो पानी इतना ज्यादा दुखी कर रहा है कि बस मैं बताए क्या ही कहूँ अब मैं, मतलब कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा। अब तो पहले तो लेट आता था, लेकिन अभी तो लेट से भी बहुत ज्यादा लेट आता है। और बट क्या कर सकते हैं, अब हर सिचुएशन में ना आदत सी हो गई अपने को एडजस्ट करने की, और अगर हम एडजस्ट नहीं भी करें तो हमारे पास कोई सोल्यूशन भी तो नहीं है ना, तो इसलिए हमें अपने आप को एडजस्ट तो करना ही होता है। तो देखो अब जब रात को पानी आएगा, अगर आ गया तो पानी आएगा, तो वो जो मशीन में बेडशीट है जो मैंने अभी चेंज करी थी मॉर्निंग में, तो वो ब्लैंकेट है, तो उनको ना रात को ही धोऊंगी, और इजी में धोती हूँ मैं उनको ना, सर्फ वगैरह यूज नहीं करती। तो सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, अगर हम सिस्टमेटिक वे में करें ना, तरीके से करें, तो हमें कामों में बर्डन नहीं लगेगा और इजीली हमारे काम हो जाते हैं। तो सर्दियों के टाइम में भी ना मेरे काम इसी तरीके से इजीली हो जाते हैं। और अब मैं, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा आगे खींचू, है ना। तो चलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे अपना सपोर्ट दीजिए, मेरे चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए। तो मिलते हूँ आपसे, जल्द ही मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड गुड डे।